हेलो दोस्तों, आज मैं एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ। आज हम बनाने जा रहे पनीर चिल्ली रेसिपी। चलिए बनाने शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर पनीर लिया है 380 ग्राम्स। इसको मैं यहाँ पर बड़े बड़े पीसेस में कट करूँगे। जब भी पनीर चिल्ली बनाएंगे तभी हमें पीसेस में बड़े बड़े पीसेस कट करने चाहिए। मैंने यहाँ पर दो भाग कर लिया है और इस तरह से मैं यहाँ पर कट कर रही हूँ। ज़्यादा छोटे में नहीं बनाएंगे, बड़े बड़े पीसेस में मिलते हैं रेस्टोरेंट में, जितने साइज में मिलते हैं ना वही हिसाब से कट किया है मैंने। मैं यहाँ पर सब पनीर को इस तरह से कट करके तैयार कर लूँगी। और जब भी हम पनीर बनाएंगे ना, इसका पानी सब रिलीज होने चाहिए, फ्रीज में नहीं रखनी चाहिए। कम से कम 1 घंटा या 1.5 घंटा तक पनीर को बाहर रखनी चाहिए इस तरह से, नहीं तो आइस बन जाते हैं, ज़्यादा पानी सोख लेते हैं तो अच्छे नहीं बनेंगे। मैंने इस तरह से कट किया है, देखिए बड़े बड़े पीसेस में। अभी हम यहाँ पर डाल देंगे कलर, ये फूड कलर है, आप ऑप्शनल है, डाल भी सकते हैं नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन कलर डालने से थोड़ी सी देखने में अच्छी लगेंगे। और मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लोर लिया है 1 चम्मच और हाफ। इससे कोटिंग करने से अच्छी क्रंची रहते हैं और हमारे पनीर में अंदर में सॉफ्ट, बाहर थोड़ी सी क्रंचीनेस आएंगे। इस तरह से सूखी सूखी कॉर्नफ्लोर में इस तरह से हमें रेडी करने होंगे। ये देखिए परफेक्ट है। अभी मैं यहाँ पर गैस पे ऑयल गरम करने के लिए डाल दूंगी। कम से कम हमें यहाँ पर 3-4 चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और थोड़ी सी गरम होने देंगे। उसके बाद जो हमने यहाँ पर पीसेस में रेडी किया है पनीर का, उसको हम यहाँ पर डाल देंगे। इस तरह से डाल के मीडियम फ्लेम करेंगे और इसको 1-2 मिनट तक हमें उलट पुलट करके फ्राई करेंगे। ज़्यादा डार्क नहीं करनी होंगी और ज़्यादा टाइम तक हमें इसको फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो अंदर में टाइट हो जाएंगे तो अच्छे से हमारे ग्रेवी अंदर तक नहीं पहुँचेंगे। तो 1-2 मिनट तक हमें इस तरह से मीडियम फ्लेम करके फ्राई करेंगे सब जगहों में इस तरह से। इसके बाद हमें इसको एक एक पीस करके निकाल देंगे प्लेट में, ठंडी होने के लिए रख देंगे। ये देखिए पूरी तरह से फ्राई हो गई है, बहुत ही ज़्यादा क्रंची बनी हुई है। इस तरह से हमें खाली करेंगे यहाँ पर। और पता है आपको, ये चिल्ली पनीर इतनी बढ़िया बनते हैं, इतनी टेस्टी बनते हैं, क्योंकि एक मेरा भाई है वो रेस्टोरेंट में काम करते हैं, हेड शेफ है, तो उसके साथ में मैंने ये रेस्टोरेंट स्टाइल का रेसिपी लिया था, तो मैं आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। अभी ये तेल सही है, इसमें मैं तेल ऐड नहीं करूँगी। इसी तेल में हमें यहाँ पर 4-5 लहसुन चॉप करके लिया है, उसको यहाँ पर डाल दूंगी। इस तरह से हल्के से ब्राउन होने तक हमें इसको फ्राई करने हैं। मैं यहाँ पर 1 कैप्सिकम और 1 बड़ी साइज प्याज को बड़े बड़े पीसेस में कट करके डाल रही हूँ। हल्के से ब्राउन हो गई है लहसुन, तो हमें यहाँ पर 1/2 कप पानी ऐड करेंगे। आपको ग्रेवी वाला ज़्यादा चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा पानी यूज कर सकते हैं, मैं थोड़ी सी लतपत बना रही हूँ। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच टमेटो केचप लिया है। अभी हम यहाँ पर डाल देंगे 1 चम्मच ग्रीन चिल्ली सॉस और अभी हम यहाँ पर डाल देंगे 1 चम्मच सोया सॉस डाल देंगे ब्लैक वाला, और 1 चम्मच हमें यहाँ पर डालने होंगे विनेगर। बहुत ही बढ़िया लगने वाला है ये रेसिपी, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगेंगे। और मैंने यहाँ पर होममेड किया हुआ चिल्ली सॉस लिया है। स्पाइसी ज़्यादा करने के लिए मैंने थोड़े ज़्यादा ही लिया है, स्पाइसी कम का ज़्यादा आप कर सकते हैं। और यहाँ पर 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है, और ये इतना थोड़ी सी चम्मच में कलर लगी हुई थी तो इसमें घोलने का टाइम में कलर आ गया है। आप कलर ऐड कर भी सकते हैं, नहीं तो इस तरह से भी बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हम यहाँ पर डाल देंगे और मिक्स कर देंगे अच्छे से। मैंने यहाँ पर नमक डाली नहीं है, अभी अनुसार नमक डाल देंगे यहाँ पर। उसके बाद मिक्स करने के बाद में पनीर ऐड कर रही हूँ, जो फ्राई करके रखी हुई थी पनीर, ये देखिए इस तरह से डाल देंगे और मिक्स करेंगे। अभी गैस का फ्लेम को हाई कर देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। और मैं यहाँ पर 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर डाल रही हूँ। बहुत ही बढ़िया लगेंगे इसका फ्लेवर, आप भी इस तरह से एक बार बना के खाएगा, बच्चों के साथ में भी शेयर कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स के साथ में भी, आपको बहुत ही तारीफ मिलने वाला है ये रेसिपी एक बार खिलाने से। और इसी तरह से नई नई वीडियो लेके मैं आपके साथ में शेयर करने आती रहूंगी। आपका प्यार, आपका सपोर्ट हमेशा बनाए रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।